लिखते हैं, आप पढ़ चुके हैं ओ को लिखना, इसी से देखो रिजेंबल करता है ये कर्सिव को, यानी कि मिलता जुलता है कर्सिव को, सिर्फ इसे लिखने का तरीका हमारे पास थोड़ा सा चेंज है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं कर्सिव को हमें किस तरीके से लिखना है। फोर लाइन्स की नोटबुक में लिखना है, कैपिटल लेटर है, फर्स्ट लाइन से स्टार्ट होगा लिखना, होप आपको क्लियर है, और थर्ड लाइन तक हमें लिखना है क्योंकि ये कैपिटल लेटर। बेटा जब भी आप कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर या कर्सिव लेटर या कोई भी लेटर लिखते हैं तो आपको ये माइंड में जरूर रखना है कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा और एंडिंग पॉइंट क्या होगा। ओके, जिससे आपको ध्यान रहेगा कि किस लेटर को हमें किस तरीके से लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं हम, ये हमारा फर्स्ट लाइन हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से हम पेंसिल को रखते हुए इसे हम सिंपल जैसे आप कैपिटल ओ बनाते हैं वैसे कैपिटल ओ बनाएंगे, और यहाँ आपका पॉइंट आया, आप इसे ही थोड़ा सा मूव करते हुए आगे ले जाएं। बहुत सिंपल है बेटा ये लिखना, होप आपको क्लियर है कि किस तरीके से लिखना है। आप जैसे कैपिटल ओ बनाते हैं बेटा वैसे ही थर्ड लाइन तक ले जाते हुए कैपिटल ओ बनाना है। यहाँ आपका जो पॉइंट आता है इसको आपको थोड़ा सा टर्न करना है अंदर की तरफ और उसे लाइन पे ओ से बाहर कट करते हुए लेकर जाना है। ये देखिए कट करता हुआ हमारा लाइन से बाहर जाता है, ये हमारा कर्सिव ओ बन जाता है। ओके, बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे पॉइंट पे एंड पॉइंट पे लाके उसको अंदर की तरफ से टर्न करना है और ये हमारा कर्सिव ओ बन जाएगा। ओके, स्टार्ट एक बार और बताती हूँ मैं आपको, फर्स्ट लाइन से रखते हुए थर्ड लाइन तक हमने ये सर्कल टाइप बनाया, ओ बन गया और हमने इसे अंदर से मूव कर दिया, एक टर्न दे दिया, ये हमारा कर्सिव ओ बन गया। ओ आपको कर्सिव ओ कैसे बनाना है ये क्लियर हो गया है, ओ का साउंड आपको क्लियर है। मैं आपको प्लेन में एक बार बता देती हूँ, इस तरीके से ओ बनाते हुए हमें ऐसे टर्न देना है, ये हमारा कर्सिव ओ बन जाता है। ओके, तो बेटा आज का आपका इंग्लिश का होमवर्क यही है कि आपको अपनी इंग्लिश की फेयर नोटबुक में कर्सिव ओ